अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इंस्टेंट पॉट में बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इंस्टेंट पॉट में हाफ कप घी लिया है और अब मैं उसको थोड़ा सा गर्म करूँगी चिकन ऐड करने से पहले। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं उसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने 800 ग्राम्स लिया। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करूंगी। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर पिंक से वाइट कलर में चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर वाइट कलर में चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें अपना शान का हलीम सीजनिंग मिक्स ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लूँगी। जब हमारी चिकन और मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे तो मैं इसमें 1.5 कप लेंटिल्स मिक्स ऐड कर दूंगी और इन सब को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसमें 3 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर दूंगी। वाटर आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए हलीम की। अब मैं इस हलीम को प्रेशर कुक करूंगी फॉर 22 मिनट्स और आफ्टर 22 मिनट्स हमारी हलीम कुछ इस तरह से दिखेगी कि 22 मिनट्स में चिकन एंड लेंटिल्स हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दूंगी। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप नॉर्मल ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा हलीम तैयार है। ये आप अपनी दावतों में भी बहुत जल्दी बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बहुत क्विक रेसिपी है, डू ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।